हाय गाइस, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ 2022। ये वीडियो को मैं बहुत बेसिक एंड सिंपल रखने वाला हूँ। द रीजन बिंग इज कि मैं इसी सिंप्लिसिटी के साथ विदाउट सो मच फैंसी एडिटिंग मैंने इस चैनल को शुरू किया था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसी सिंप्लिसिटी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा 2023 का प्रोसेस। और अगर मैं बताऊं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करने के लिए मेरे आईपैड में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 जो था ना, मैंने दूसरों को भी वीडियोस देखे, अगर उस ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो बहुत लोग का बहुत अच्छा रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा 2022। बट मेरे लिए एज सच उतना कुछ स्पेशल या फिर खास नहीं रहा है। बट मैं अगर फिर भी बताना चाहूँ, लाइक 2021 और 22 नॉट सो गुड ईयर्स। उससे पहले 2018 हो गया, 19 हो गया, काफी कमाल के ईयर्स रहे हैं। जब मैं स्कूल टाइम में था वो हर एक साल मतलब करंट साल प्रीवियस साल से बेहतर होता था। बट ये 2 साल में थोड़ा सा मैं स्टक वाले पीरियड में रह गया। बट कोई बात नहीं, ये हमारे लाइफ में यार, मैं एक चीज समझाऊं स्टॉक मार्केट से कि लाइफ जो है ना वो ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। जैसे आप ईसीजी में भी देखते हो, जब एक इंसान जिंदा होता है तभी उसका ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है, जब वो इंसान मर जाता है तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो हमारा भी जिंदगी ऐसा ही है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। वहीं से लर्निंग लेके मैं वापस आया हूँ कि मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रुकने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रुकने के लिए क्या नहीं, राइट? मैं और आगे जा सकता हूं और जाऊंगा। सो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ बिगर पिक्चर में देखे तो मेंटल हेल्थ की वजह से थोड़ा सा डाउन रहा, बट सक्सेस भी काफी ज्यादा मिले। 2023 के लिए मेरा क्या टारगेट रहेगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अचीवमेंट की बात करें तो इस पूरे साल में मैंने जितने भी यूट्यूब वीडियोस बनाए, सबसे बेस्ट वीडियो अगर मुझे कोई पूछे कि सर आपका सबसे बेहतरीन वीडियो कौन सा था जिसमें आपने बहुत टाइम एनर्जी एफर्ट पैसा सब डाला है, दैट विल बी द कैंपस टूर वीडियो जो मैंने अपने कॉलेज के लिए बनाया था। कैंपस टूर वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आकाश दास कैंपस टूर वीडियो, वहां पे आपको दिख जाएगा वो वीडियो। बहुत मेहनत, लाइक लगभग 1 महीना लगा है मुझे वो वीडियो को पूरा प्रोडक्शन के लिए, उसका प्लान करना, उसका स्क्रिप्ट लिखना, फिर कहाँ पे क्या डायलॉग बोलना है एंड किस जगह के बाद दूसरा जगह दिखाना है, उसका एडिटिंग, फिर म्यूजिक, फिर एनिमेशन वगैरह भी मैंने किया है। सो दैट वॉज द बेस्ट वीडियो ऑफ 2022। और व्यूज के हिसाब से तो बहुत सारे वीडियोस हैं, वो जो मेरा ऑल टाइम हाई वाला वीडियो है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, दैट इज द बेस्ट वीडियो। एंड उसके अलावा आई गिफ्टेड माई सेल्फ वेरी लाइक प्रीसियस गिफ्ट, दैट इज मैकबुक प्रो। उसका अनबॉक्सिंग मैंने अभी तक किया नहीं है, अगर मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाऊं, सो अगर आप देख सकते हो लाइक ये वायर से भी कनेक्टेड है। सो दिस इज मैकबुक प्रो M1 प्रो 14 इंच वाला, 2.5 लाख का इसका प्राइस था। सो दिस इज रियली ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। उसके अलावा मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप किया करता था जनवरी से लेकर जून महीने तक। जून में मैं ग्रेजुएट हो गया, वहीं से ही मुझे फुल टाइम का ऑफर मिला था, बट आई रिजेक्टेड दैट। बट अगर मैं बताऊं कि यार उसमें से क्या बेस्ट मोमेंट रहा, तो ऑफिस के तरफ से चीजें तो बहुत सारी सीखी हम लोगों ने, बट ऑफिस के तरफ से एक ट्रिप हुआ था जहां पे 2-3 नाइट्स का स्टे था। हम लोग गए थे पूरा ग्रुप में लगभग 20 पीपल एंड दैट वॉज अगेन ए ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग वाटर पार्क गए, फिर हम लोग रिजॉर्ट में स्टे किए, आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज, हम लोग फन सेशन एक्टिविटीज किए, लेट नाइट फन सेशंस। सो दैट वॉज अगेन रियली ग्रेट टाइम। एंड उसके अलावा अगर यूट्यूब परस्पेक्टिव से फिर से मैं अचीवमेंट की बात करूँ, यार यूट्यूब मैंने शुरू किया था 2017-18 के टाइम पे, जब मैं क्लास 11th खत्म करके जस्ट 12th में जाने वाला था। उस टाइम पे मुझे मतलब काफी लोगों ने पूछा पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, तो मैं वैसा एज सच कुछ बड़ा नहीं करता था, मैं अपने रूम में ही, यही जो रूम है छोटा सा, इसी रूम में बैठ के एक छोटा सा प्यारा सा एक डिजिटल कैमरा था उसमें वीडियो रिकॉर्ड होता था, मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालने लगा। मैं बच्चों को ऐसे, मुझे शुरू से पढ़ाने का बहुत शौक है, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता था, कंप्यूटर साइंस के कुछ टॉपिक्स बता दिया करता था, मैथ्स बता दिया करता था, ऐसे रेंडमली डालते डालते कुछ वीडियोस वायरल होने लगे, तो अच्छा रिस्पांस मिला। फिर चैनल मेरा डिलीट हो गया 14,000 सब्सक्राइबर में जाके, फिर जीरो से शुरू किया। वही मैं बोलता हूँ ना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको रियलाइज होगा हर एक मोमेंट का, हर एक चीजों का। सो 2022 में हमारा
50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया. अगेन थैंक यू सो वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हो. अभी देखो मैं कोई एनिमेशन या फोटो वगैरह स्क्रीन पे नहीं डाल रहा हूं, मैं ऐसे ही रिकॉर्ड स्टार्ट किया, ऐसे ही आपके सामने बंद करूंगा. यही वीडियो को उठा के मैं डालूंगा थंबनेल में, इसी से एक स्क्रीनशॉट लेके बना के डाल दूंगा. इससे मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितना आप सिंपल रहोगे और पेशेंस के साथ वेट करोगे, रिजल्ट आपको मिलते जाएगा. मेहनत करते रहना पड़ेगा. मैंने खुद देखा कि जैसे ही मैंने मेहनत करना स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, पॉज कर दिया, मुझे रिजल्ट मिलना बंद हो गया. तो कभी भी आप ऐसे लाइफ में नहीं सोच सकते कि मैं एक बार ही मेहनत कर लूंगा फिर उसके बाद मेरे लिए सारा काम खत्म है, डन है, फिर मुझे और आगे जाके मेहनत करना नहीं पड़ेगा. ऐसा नहीं होता है. ये मेरा थॉट था, ये गलत सोच था. सो इसी तरीके से एक बार आपको मेहनत का लत लग जाए, आदत लग जाए, वो कंटिन्यू होते रहेगा. इसके अलावा ढूंढने में तो यार मैं जैसे बोल रहा था कि 2021-22 उतना अच्छा नहीं था, बट एक बार मैंने बैठ के सोचा कि क्या सच में अच्छा नहीं था. बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए, बहुत सारे लाइक मीटअप्स हुए हैं, मैं अपने जूनियर लोगों के साथ मिला, गूगल मीट जूम सेशंस किया, उनके साथ सीखा. 23 में तो बहुत सारे प्लानिंग्स है, वो मैं आखिरी पार्ट में कवर कर दूंगा एक दो मिनट में. बट मैंने एक डायलॉग मुझे दिमाग में याद है कि ढूंढने से, अगर शिद्दत से ढूंढते हो, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं. तो हम अच्छी मेमोरीज को ढूंढेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे. डेफिनेटली बहुत सारे अच्छे मेमोरीज मिले हैं. जैसे कि अगर मैं रिकॉल कर रहा था तो मेरा रूममेट है एक, प्रशांत नाम है उसका, उसके साथ मेरा आज थोड़ा बहुत चैटिंग हो रहा था. तो हम लोग कुछ वो वीडियो बनाया था अपना 2022 में क्या क्या ऐसे मेमोरीज रहे, तो उसमें बहुत सारे रील्स उसने डाले थे जो हम लोगों ने प्लान करके बनाए थे. रिकॉर्डिंग मैंने किया था, मैं भी था उसमें, जाके ट्राइपॉड में सेट करके एडिट शूट करते थे और एडिट भी मैंने सारा किया था. तब मुझे याद है कि कॉलेज के मेरे जो लास्ट 3-4 महीने रहे हैं, दोज वेर द बेस्ट मेमोरीज ऑफ माई एंटायर कॉलेज लाइफ. जो कॉलेज लाइफ 4 साल का रहा है उसमें से 2-2.5 साल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन में चला गया, हम लोग घर पे थे. बट आखिरी का जो हम लोग 6 महीना कॉलेज में रुके और प्लेसमेंट हो गया, फिर हमारा इंटर्नशिप शुरू हो गया और पैसा भी थोड़ा बहुत आने लगा, उस टाइम पे लाइक दैट वाज द बेस्ट पीरियड. हम लोगों ने ट्रिप्स किया, हम लोगों ने एंजॉय किए, लेट नाइट टॉक्स, काफी दिन ऐसे सोए भी नहीं है हम लोग, मस्ती मजाक, हम लोग वीडियोज बना रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. लाइक कॉलेज में जो भी फंक्शंस होता है वो फंक्शंस को अटेंड कर रहे हैं. एंड लिटरली उस टाइम पे हमें सीनियर का फील आया कि सच में हम लोग सीनियर हैं. 1 महीने में 3 वीकेंड्स पे ऐसे इवेंट्स वगैरह होते थे, हम लोग जाके पैसा खर्चा करके अपने लिए कपड़े खरीदते थे. जनरली आप लोग को पता होगा कि बॉयज उतने कपड़े नहीं खरीदते. आप लोग भी मुझे वीडियोस में देखते हो, वही 2-3 कलर के शर्ट हैं, टी शर्ट हैं, मैक्सिमम मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ, वही मैं पहन के बैठ जाता हूँ. बट उस टाइम पे लिटरली वी वेंट टू द शॉपिंग मॉल्स, हमने शॉपिंग किया, थोड़ा सा फैशन का आइडिया है कि हाँ इस ओकेजन में हमें ट्रेडिशनल या एथनिक पहनना चाहिए, यहाँ पे वेस्टर्न पहनेंगे. फिर मैंने ब्लेजर वगैरह शूट वगैरह फेयरवेल पार्टी के लिए बनाया था, फेयरवेल पार्टी भी अच्छा रहा और मैं जाके वहाँ पे स्पीच भी दिया. सो बहुत सारे मेमोरीज है यार. वही मैं बोलना चाहूंगी, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएंगे, तो क्यों ना हम भी अपने अंदर झांके, थोड़ा सा देखें 2022 खत्म होने से पहले क्या क्या अच्छा चीज हुआ है. एंड राइट नाउ आई नीड टू रश, लाइक 0 नाइट के लिए प्रिपरेशन है, प्लानिंग है, उसके अलावा उसका व्लॉग भी आ जाएगा मेरे व्लॉग चैनल में. तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए व्लॉग चैनल को, गो एंड चेक आउट द व्लॉग चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आकाश दास व्लॉग्स. उसके अलावा मेरा टीचिंग चैनल है, उसमें भी 5,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं. तो 10-10% का ऐसे रेशियो बनते जा रहा है, 50,000 मेन चैनल पे, उसका 10% यानी कि 5,000 जो कि एजुकेशनल चैनल पे, उसका 10% यानी कि 500 सब्सक्राइबर वो है हमारे व्लॉग चैनल पे. सो इसी तरीके से अभी पैटर्न चल रहा है और टारगेट्स 2023 के लिए ये है कि मेरे मेन चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट पूरा हो जाए. ये मे भी हो सकता है बहुत छोटा सा टारगेट हो, बट मैं उतना एक्टिवली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, उस तरह के कंटेंट लाइक दूसरे क्रिएटर्स जो मेरे डोमेन में है, मेरे तरह के कंटेंट बनाते हैं या मैं उनके तरह बनाता हूँ, उन लोगों का डेडिकेटेड टीम है और वो बाहर बड़े बड़े शहर में रहते हैं, मैं छोटे से गांव में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे लिए उतना लाइक घर भी ऐसा माहौल नहीं है कि मैं आपको उस तरीके से लोकेशन चेंज करके वीडियो दिखाऊं बनाऊं. और साथ में कोई ऐसा रिकॉर्ड करने वाला सिनेमेटिक शॉट रोज मेरे साथ रहे, वो उसको मैं पे कर रहा हूँ, ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है.
खुद से जितना हो पाता है मैं खुद ऐसा कैमरा सेटअप करता हूँ, जितना एडिटिंग कर पाता हूँ, साथ में जॉब भी रहता है, फिर दूसरे चीज़ों पे भी मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। और 23 के लिए मेरा ये टारगेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद पे काम करना चाहता हूँ, खुद पे मेहनत करना चाहता हूँ, जिस वजह से गलती से भी अगर मैं थोड़ा सा गायब हो गया यूट्यूब से, सोच लेना है कि मैं जब आऊँगा ना मैं बाउंस बैक करूँगा। उसके अलावा लाइक आई हैव फ्यू बुक्स, यहाँ पे किताब है, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बट येस मैं किताब पढ़ने पे फोकस करूंगा 2023 में, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स मैं पढ़ूँ और जो बुक्स मुझे सच में अच्छा लगे और कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स या लर्निंग्स मिले वो लेसन्स को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इंस्टाग्राम पे जो रील्स होता है मैं रील्स बना के आप सभी तक उसका लेसन्स पहुँचा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक पढ़ा है, ईट दैट फ्रॉग, दैट इज द बेस्ट टाइम मैनेजमेंट टेक्निक वाला बुक, 21 स्ट्रैटेजीज है उसमें, तो उसका मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, रील्स बना दूंगा कि एक एक स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, वहां से आप कैसे चीजों को समझ सकते हो। आई होप ये पसंद आए आपको, मैं कोशिश करना चाहता हूँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, नए डोमेन में इंटरेस्ट लेके मैं सीखना चाहता हूँ, लाइक आई वॉन्ट टू लर्न गिटार को बजाना, गिटार प्ले करना, साथ में आई वॉन्ट टू लर्न बहुत सारे चीजें यार, अभी मैं बता के ऐसे लाइक मैं कभी अगर सच में सीरियस हो गया उस चीज के लिए सीखने के लिए मैं पब्लिक कर दूंगा ताकि मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए और फिर मैं वो चीज को सीख के लाऊंगा। हाँ, मुझे मन था सिंगिंग एंड पोइट्री में थोड़ा सा एंटर करने का, सो मैंने एक पोइट्री का वीडियो रिकॉर्ड किया, इंस्टाग्राम पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह डाला, स्टोरी डाला, यूट्यूब पे डाला, मेरे व्लॉग चैनल पे, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। वो पोएट्री में भी अच्छा लगा, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आई एंटर्ड इन टू दैट। आगे और भी मैं लिखूंगा कुछ अपने से तो फिर उसको भी मैं प्रेजेंट करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर 2022। एंड अर्निंग की बात कर लेते हैं, मैंने 2021 के एंड में दिसंबर या जनवरी में अभी 2022 के एक वीडियो बनाया था, हाउ मच आई अर्न इन 2021। जितना भी अर्निंग हुआ था ऑब्वियसली उससे ज्यादा अर्निंग हुआ है 2022 में, बट इस बार पता नहीं क्यों आई एम नॉट फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट टू शेयर द अर्निंग रिपोर्ट। सोर्सेस वही है, बहुत सारे डिफरेंट है, कुछ सोर्सेस घट गए हैं, कुछ सोर्सेस खत्म हो गए हैं, कुछ सोर्सेस से थोड़ा और ज्यादा हो गया, नए सोर्सेस जुड़ चुके हैं। उस हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि येस आई एम स्टिल इन द लर्निंग प्रोसेस। जिस टाइम पे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं अपने तरफ से सच में 100% एफर्ट डाल रहा हूँ और मुझे कुछ रिजल्ट मिल रहा है एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तब मैं चाहे वो 2023 हो या कोई भी महीना हो, जनवरी हो या दिसंबर हो, मैं किसी भी महीने में वो चीज को शेयर करूंगा आप सभी के सामने। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी था, साथ में मेरा सेल्फ रिफ्लेक्शन वीडियो भी था, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम माई साइड। एंड अब से मैं कोशिश करूंगा तीनों चैनल पे रोज वीडियो आए, छोटे से छोटा क्यों ना हो, 2 से 5 मिनट का क्यों ना हो, मैं रॉ वीडियो ही सही उसको उठा के डाल दूंगा ताकि मेरा नॉलेज जो है, मेरा एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचे और हम लोग रोज कनेक्टेड रहे, आप लोग से मेरी रोज बात हो पाए वीडियो के जरिए से। कुछ भी अच्छा बुरा हुआ, करियर गाइडेंस हुआ, कुछ भी मुझे पता चला कि आपके लिए वो बेनिफिशियल है, मैं उसके आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहां तक वीडियो देख लियो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना एंड एक प्यारा सा कमेंट करो कि आपको मेरे लाइफ का 2022 का सबसे अच्छा चीज क्या लगा, एंड आपके लाइफ का कुछ शेयर करना चाहते हो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। लंबा मैसेज इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लेता हूँ, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट कमेंट करते हो तो हर कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। कमेंट कर सकते हो यूट्यूब वीडियो में, इसी कमेंट सेक्शन में जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले साल यानी कि 2023 में हम लोग मिलेंगे, एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है, हम लोग कल मिल रहे होंगे वापस नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।